हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप लिंक्डइन के ऊपर कैसे आप बैच ऐड कर सकते हैं इन अचीवमेंट सेक्शन में। पहले हमारा एक बैच ऐड किया है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आज की वीडियो में हम एलो अचीवमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं या बैच को ऐड कर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखी है। अगर आपको पता नहीं है, मतलब आपने देखा नहीं वीडियो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूँ शुरू से कैसे करना है। ये वाला बैच आप इजीली आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं जो भी स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपको वो स्टेप्स फॉलो पर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद हम रिपोजिटरी के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर एक बैच करके जो प्रोफाइल है, पब्लिक जो प्रोफाइल है, उसके ऊपर चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूट के ऊपर कर लाना है और ओपन न्यू रिक्वेस्ट कर देनी है, जो भी हमने भी नई फाइल बनाई थी ओपन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने जो जो स्टेप फॉलो किए वही वो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट कर देनी है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओपन दिख रही है और नीचे भी मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो आपको सिंपल इसको मर्ज कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको मर्ज करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी फाइल मर्ज हो चुकी थी, इसका मतलब आप अभी इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक। तो आपको फिर से पुल रिक्वेस्ट के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है पता है। अभी आपने एक फाइल क्रिएट की, उसको आपने एडिट करके कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद यहाँ पर आ गया, तो आपको अभी फोर्क करना बाकी है। फोर्क करेंगे तो येलो वाला देख सकते हैं, जो भी रिपोजिटरी आपको जाके वो फोर्क को करना है। और यहाँ से आपको फ्री बैच वाले प्रोफाइल को क्लिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नाम का इशू आ रहा है, तो हम नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बैच का, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस नाम से और एक रिपोजिटरी बनाई थी, ठीक है। तो आपको जो भी मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, आप स्टेप्स फॉलो करते जा रहे हैं, आपको भी ये वाला बैच मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं खाली द रिपोजिटरी बैच ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दिस अकाउंट। सो हमें सिंपली इस रिपोजिटरी का नेम चेंज कर देना है, और जैसे ही नाम चेंज करेंगे और क्रिएट अ फोर्क करेंगे, चलो मैं आपको सिंपली फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। क्रिएट फोर्क के ऊपर फोर्क करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये नेटवर्क का इशू है, देख सकते हैं। न्यू फाइल के ऊपर हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने और एक फाइल बना दी, हाँ हेलो डॉट जे एस। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो डॉट जे एस लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हेलो जे एस या कंसोल, जो भी आपको लिखना है उसको आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद इसको मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट के बाद आपको फोक करना है। जैसे ही आप फोक करेंगे, वैसे ही आपके अचीवमेंट सेक्शन में और एक अचीवमेंट ऐड हो जाएगा। मैंने आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट के ऊपर चले जाना है, देख सकते हैं दिस ब्रांच इज कॉन्ट्रीब्यूटर के अंदर ऐड हो जाएगी। तो उसके लिए आपको पुल रिक्वेस्ट के ऊपर फिर से चले जाना है यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट के ऊपर चले जाना है, ओपन पुल रिक्वेस्ट कर देनी है। जैसे ही ओपन पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप ऐड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट की, जैसे हमने पहले भी किया था, सेम उसी तरीके से हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किए, हम इसको मर्ज कर देते हैं। आप जैसे ही मर्ज करेंगे तो आपको पता है ये जो हमारी प्रोफाइल है, इसको आपको फोक करना पड़ेगा। फोक करेंगे तभी, फोर्क मतलब क्या, एक वन काइंड ऑफ कॉपी कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो फोर्क करेंगे तो जो येलो वाला जो सिंबल है, जो येलो जो अचीवमेंट है, वो हमारे अचीवमेंट सेक्शन में ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं हमने फोक करने के बाद अचीवमेंट सेक्शन में ये जो पुल शार्क येलो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं।